आई हैव 3 exes. You know what? You are lucky. यहाँ पे एक नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास 3 भी है, बट अच्छी बात है. मैं इतनी पंक्चुअल आदमी हूँ और मैं हमेशा टाइम पे अपना इंट्रो शूट करती हूँ. तो फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू योर गाइस डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स. तो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एक्चुअली हैड अ क्रश ऑन माय फ्रेंड. ही टू लाइक मी बट व्हेन ही प्रपोज्ड आई सेड नो सो आई कुड लुक हाई बट नाउ आई एम रिग्रेटिंग. मैं रिग्रेट कर रही हूँ ये वीडियो बनाना. आई एम इन लव विद माय बेस्ट फ्रेंड. ओके ऑफकोर्स पहले तुम बोलो फिर मैं बोलती हूँ. आई फील गाइज एंड गर्ल्स का बेस्ट फ्रेंड रिलेशनशिप कैन नॉट वर्क बिकॉज वन ऑफ देम ऑलवेज एंड्स अप कैचिंग फीलिंग्स. सबको यहाँ पे राहुल चाहिए बट इस स्टोरी में राहुल को अंजलि नहीं चाहिए. आई ऑलमोस्ट चीटेड ऑल माई एग्जाम्स ऑफ एन अकेडमिक ईयर. ये क्या सीक्रेट्स है भाई. ये मेरा रोज का रूटीन है. ऐसे ही मैं पूरा मेरे स्कूल लाइफ में पास हुई हूँ. आई किस्ड माई बेस्ट फ्रेंड बट वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. इट्स ओके यू कैन बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. It's a thing, but at the end of the day, you guys will end up catching feelings, और वो पूरा ruin हो जाएगा. I had my first boyfriend when I was in 5th standard, but he was in 10th standard. तुम 5th में क्या उम्र थी तुम्हारी? अगर वो 10th में था, I think 10th में मन मंदरा के होते हैं. तो पहले तो ये बहुत weird relationship है. अगर मैं 16 साल की हूँ, मेरा एक boyfriend नहीं बना. अगर तुम 5th standard से 10th के लड़कों को date कर रहे हो. I kissed my cousin's sister on lips. मम्मी को बताओ तुम्हारी. दिस इज सो यू छी. तुम में से लोगों को अपने अपने कजिन्स कैसे पसंद आते हैं? मतलब लिटरली वो खून का रिश्ता है. व्हाट इज दिस? हैव अ बॉयफ्रेंड. आई लव हिम एंड आई स्टिल टॉक टू माय एक्स. किस एंड आल्सो किस्ड हिम एंड माय करंट बॉयफ्रेंड न्यू दैट एंड माय एक्स बॉयफ्रेंड थिंक्स दैट आई एम सिंगल. तुम बोलना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उससे प्यार करते हो बट तुमने अपने एक्स को किस कर दिया और उसको किस कर दिया. बट तुम्हारे करंट बॉयफ्रेंड को पता है कि तुमने तुम्हारे एक्स को किस करा बट तुम्हारे एक्स को लगता है कि वो सिंगल, तुम सिंगल हो. इसमें सिर्फ एक ही बंदा इनोसेंट है, वो है तुम्हारा एक्स. बिकॉज उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि भाई इसके तो बॉयफ्रेंड है. माई बॉयफ्रेंड फोर्स मी टू गिव अ बीजे. ओह माय गॉड. ए चपेट मारो, बोलो कि मम्मी को बता दूंगी तुम्हारी अश्लील हरकत करवा दो. स्टिल डोंट नो 11 एंड 12 का स्पेलिंग. ये मेरी बहन है. नहीं, मुझे 11 की स्पेलिंग आती है. मेरे मैंने आती है, ठीक है. द रिलेशनशिप विद अ 25 ईयर ओल्ड व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड. आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी व्हेन आई वाज 11. मतलब लिटरली नीचे बिल्डिंग में हाइड एंड सीक खेलने की उम्र में तुम लोग यहाँ पे लोगों के साथ. ओह माय गॉड. मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया. आज तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना और यहाँ पे लोग 11 साल की उम्र में. तुम लोगों के एक्सपीरियंस को तो देख के मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. हैव सब्सक्राइब टू वृद्धि पटवा. ये तुम्हारा सीक्रेट है? अशेम्ड हो मुझसे क्यों? आई हैव माय एक्स बॉयफ्रेंड्स नेम टैटूड ऑन माय लेफ्ट ब्रेस्ट एंड माय फैमिली डजंट नो एट ऑल. बताना भी मत कभी माँ बाप. I'm telling you, don't just don't tell it. Meko aisa like mean nahi banna hai. But I'd like to tell you that this is a decision that you are going to truly, truly regret. No one in your life is forever. Don't ever tattoo a guy's name. Deepika Padukone did it, regretted it. Iske liye main bolna chahta hu, nahi karana chahiye. I play lesbian games with my sister. Matlab yahan pe aadhe se zyada logon ko apne bhai behan kya pasand aa rahe hain? Sach mein, itne sare log hain duniya mein. Apne bhai behnon ke sath. Just after my breakup, I made out with my boyfriend's best friend and I don't regret it. Because he cheated on his girlfriend for me, lol. इससे बस ये reveal हो रहा है that how wrong you are. एकदम नेसा और जेडन वाला सिचुएशन हो गया. बेचारी वो लड़की मैड्स लुइस है और वो जो लड़का है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो जॉश रिचर्ड्स है. I fingered my tuition teacher. Honestly, मैं बोलना चाहूंगी हॉर्नी होने की एक हद होती है. वीडियोस देख लो, ये सब कर लो. आई प्रैक्टिस किसिंग ऑन माई फिंगर्स. आई मीन फ्रेंच वाला की तुमको किस बात की इतनी चुल हो रही है? सो वन डे आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स टू दिल्ली एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई एम गोइंग टू वॉच अ वीडियो. मुझे ये रिवील हुआ कि तुम बहुत पैसे आ रही हो. कि तुमने मतलब माँ बाप को ये बोला कि भाई मैं वीडियो देखने जा रही हूँ बट तुमने पकड़ ली ट्रेन या फ्लाइट जो भी टू दिल्ली. Cheated in my board exams. कैसे बहन सबको टिप्स दो? कैसे भाई बोर्ड में पता है मैंने एक बार मैंने आगे बैठा था मैंने ऐसे हल्का सा पीप करने का ट्राई किया था वो बोलती करते हो बोर्ड एग्जाम में चीट कैमरा लगा होता है.
हैव मेड आउट विद माय स्टेप मॉम. हाँ जी, तुम्हारे पापा को ये बात बता दूं, उनकी बीवी के साथ तुम ये सब कर रहे हो, उनके ही घर में बैठकर, उनके ही रूफ में. आई डिडंट बेथ सिंस 1 ईयर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट पॉसिबल टू नॉट हैव शावर फॉर अ ईयर. I kissed my crush and my school teacher at the same time. और मेरे को मतलब ये ना, मेरे को तो ये देख ये शॉक हो रहा है ये पढ़कर कि इंडिया में ऐसी हरकतें होती हैं. मतलब मैंने ये सब आज तक मतलब यू नो फॉरेन में देखा था. एंड वॉट इज दिस क्रश और टीचर एक साथ, तुम्हारा क्रश अग्री कैसे किया ये सब चीजें करने में? आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को ऐसा है कि भाई मेरा बंदा मेरा है, मेरी बंदी मेरी. यहाँ पे आई हैव 4 exes एंड आई चीटेड ऑन ऑल ऑफ देम. मतलब यहाँ पे सब लोग इतने प्राउडली बोल रहे हैं यार मेरे एक्स है, मेरे उन सब पे चीट किया है. ये कभी अलविदा ना कहना नहीं चल रही है, यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं होगा चीटिंग करना. मेड आउट विद माय कजिन ब्रदर. एक बात बोलना चाहूंगी, तुम लोग सब अपने भाई बहनों अपने घर में रिश्ते बनाना बंद करो. भाई बहनों के पवित्र रिश्ते को करप्ट कर रहे हो. बाहर जाके एक्सपीरियंस ले लो, चीजों का एक्सपीरियंस मिलेगा बाहर भी, घर में क्यों ढूंढ. माय बॉयफ्रेंड माय स्कूल बाथरूम. पहले तो इंडिया के स्कूल के बाथरूम इतने ग्रोस होते हैं, लिटरली मैं मेरे स्कूल का बाथरूम कभी यूज नहीं करती. मैं घर पे 10 मिनट से मेरी पी नहीं रुक जाती है, बट मैं स्कूल में 4 मिनट या 5 मिनट अपनी पी रोक लेती थी, बिकॉज आई वुड नेवर यूज द बाथरूम. एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच माय बेस्ट फ्रेंड एंड मेक आउट द टीचर. लाइटर्स ले, तुम लोग 11-12 साल की उम्र से बहुत एक्टिव हो. आई एम 13 एंड आई हैव इतने कौन से लड़के हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों के पीछे लाइन लगा के खड़ा है. तुम लोग के माँ बाप तुम्हारे फोन चेक नहीं करते क्या? आई हैव सेक्स्टेड. भाई मैं जब थी स्कूल में मेरी माँ तो मेरा फोन चेक करती थी. एंड आई फील सब लोग, मेरे को लगा था ये इंडिया में अभी तक है, बट नहीं करता है, इंडिया इवॉल्व हो रहा है. दैट आई मेड आउट विद माय सिस्टर. कजन तक तो चलो समझ आ गया, एक एक रिश्ते का डिफरेंस है. अब तो नहीं, अब तो वो भी अपन छोड़ने वाले. जब हम लोग ये बात बोलते हैं यू शुड स्टे विद द पर्सन यू लव, इट डज नॉट अप्लाई व्हेन योर समवन इज योर ब्रदर और योर सिस्टर. और पता चला कि योर समवन इस केस में तो तुम्हारी सगी भाई बहन है, तो ये ना ये थ्योरी तब अप्लाई नहीं होती है. आई सॉ माई पेरेंट्स हैविंग, मतलब ऐसा हो रहा होगा ना तुमको कि मतलब अब जब भी तुम देखते हो तुमको वो इमेज आ जाती है माइंड में. Made out with my boyfriend in front of my parents. तुम इंडियन हो और तुम्हारे माँ बाप इतने कूल कैसे हैं? कौन से हैं ये कूल माँ बाप? I saw a condom on the street and I picked it up and I smelled it. यहाँ पे मेकअप पहना हुआ है, ठीक है, मतलब मेरे को उल्टी करवाना चाहते हो ये सब सुनवा कर. पता है ये मेरा ये जो घटिया सा माइंड है वो लिटरली इमेजेस क्रिएट करता है. I slept with my boyfriend's brother. And now they don't even speak to each other. तुम लोग घरों में महाभारत करवा रहे हो. I have a crush on my sister's boyfriend. बस उसको क्रश ही रहने दो, कभी अपनी बहन की बात बताना मत, ठीक है? Literally. And my best friend role play in real life. देखो मैं थोड़ी पीछे हूँ, ठीक है? Literally मैं baby हूँ. मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है. Lost my virginity with a pillow. How can you lose your virginity to a pillow? It's not even like a real thing. That I created a fake account 2 times just to talk to my crush. I have a fake account, you know, कि like मैं करती हूँ उसमें से, you know, check कि भाई मेरा जो मतलब कोई लड़का जिसमें बात कर रही हूँ किससे बात करता है, किसको फॉलो करता है, फिर मैं उस अकाउंट से उन लड़कियों को फॉलो करती हूँ. लड़कियों को मेरा क्रश फॉलो करता है देखने के लिए कि कौन है, क्या है, कितना बात करता है, किसके फोटो पे कमेंट करता है, क्या करता है. I feel this is very normal, यार बहुत तो करते हैं ये तो. It's okay. Someone said I kissed my father. छी 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 छी. बस बहुत हो गया. This was all for today's video. मैं अब जा रही हूँ नहाने धोने. Because सच में मुझे खुद को ऐसा लग रहा है हरिद्वार जाके गंगा में डुबोना पड़ेगा और खुद का यू नो प्राश्चित खुद को ये सिंस करना पड़ेगा. तुम लोग ये सब कर लो सच में.